नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोमल। पिछले दो लोकसभा चुनावों में विपक्ष के दलों की परफॉर्मेंस लगातार खराब हुई है, लेकिन दो चुनावों में खराब हो गई तो तीसरे चुनाव में सुधरेगी नहीं, ये कहना भी थोड़ा सही नहीं होगा। 2024 में राजनीति के इसी संभावनाओं का खेल पुख्ता करने की कोशिश में एक बार फिर विपक्षी एकता का शगुफा उठा है और इसके अगुवा बने हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार। अब वो कितने सफल होंगे फिलहाल तो ये कहना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि एक बात बड़ी दिलचस्प है सीएम की, कि बिहार से लेकर दिल्ली तक यही कहते दिख रहे हैं कि ना तो उन्होंने कभी पीएम बनने की बात कही और ना ही पीएम बनने की उनकी कोई इच्छा है। लेकिन जेडीयू कार्यालय के बाहर और अब तो शहर में कई जगहों पर नीतीश को पीएम प्रोजेक्ट करते हुए कई पोस्टर आपको दिख जाएंगे। फिलहाल हमारे स्क्रीन पर आप ये पोस्टर देख सकते हैं। अभी नीतीश दिल्ली दौरे पर हैं, राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, अरविंद केजरीवाल सहित कई नेताओं से वो मिल चुके हैं और कई नेताओं से वो आगे मिलने भी वाले हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि 2024 में बीजेपी और नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करने के लिए क्या सीएम नीतीश विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर पाएंगे, और अगर एकजुट कर भी लेते हैं तो किस मुद्दे पर वोट मांगेंगे, क्या एजेंडा होगा। फिलहाल तो जिस विपक्षी एकजुटता में सीएम नीतीश लगे हुए हैं उसमें उन्हें ममता बनर्जी से ही वॉकओवर मिलना मुश्किल लग रहा है। मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में टीएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कीर्ति झा आजाद ने बताया कि विपक्ष की एकता के लिए 2019 के बाद से ही ममता बनर्जी ने प्रयास शुरू कर दिया था। नीतीश को तो एक महीना भी नहीं गुजरा है, मतलब कीर्ति आजाद को नीतीश पर भरोसा नहीं हो रहा है। पूर्व सांसद कीर्ति आजाद को नीतीश कुमार पर उतना भरोसा नहीं होता दिख रहा है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने जो भी हासिल किया है वो भाजपा के साथ ही किया है। एक महीना पहले नीतीश ने विपक्ष की एकता की बात शुरू की, आगे देखना होगा कि बाकी दल क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। कीर्ति आजाद कह रहे हैं कि विपक्ष को एकजुट करने की कवायद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2019 में ही कर दी थी। अब वर्तमान समय में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी खुद को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार मानते हुए विपक्ष को एकजुट करने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं। और नीतीश कुमार की कोशिश तो आप सभी देख ही रहे हैं। विपक्षी एकजुटता की कोशिशों में खुद को आगे करके केसीआर के कद को सीएम नीतीश छोटा करने की कोशिश में लगे हैं। अब अगर मुद्दे की बात करें तो विपक्ष के पास बस एक ही मुद्दा है कि केंद्र की सरकार से नरेंद्र मोदी को हटा दो। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों? तो इसका जवाब, स्पष्ट जवाब विपक्ष के पास भी आपको नहीं मिलेगा। आखिर विपक्ष के लोग क्या कहकर जनता से वोट मांगेंगे? नरेंद्र मोदी के आने के बाद देश का सांप्रदायिक माहौल खराब हो चुका है, या फिर इस मुद्दे पर कि देश की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है, या फिर ये कहकर वोट मांगेंगे कि नरेंद्र मोदी की सरकार ईडी, आईटी और सीबीआई का विपक्षियों पर बिना वजह इस्तेमाल करेगी। जाहिर है इन सब मुद्दों पर विपक्ष पीएम मोदी को घेर नहीं सकती, क्योंकि जनता भी देख रही है कि सीबीआई, ईडी और आईटी की रेड जिन जिन नेताओं पर पड़ रही है वहां से करोड़ों के कैश और संपत्ति बरामद किए जा रहे हैं। 2014 में जब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी तब विपक्ष की तमाम पार्टियां बिखरी हुई थी। इस चुनाव में एनडीए को 316 सीटें मिली थी जिनमें से बीजेपी ने 282 सीटों पर जीत हासिल की थी। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी की सरकार में एनडीए गठबंधन में शामिल तमाम दलों को मंत्रिमंडल में जगह मिली। 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्षी दल लगभग एक हो चुके थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने फ्रांस से राफेल विमान के डील पर नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए चौकीदार चोर है का नारा दिया था, लेकिन जनता ने राहुल गांधी के इस नारे को नकारते हुए नरेंद्र मोदी को ना सिर्फ दोबारा पीएम के पद पर बैठा दिया था बल्कि 2014 से ज्यादा सीटें यानी 303 सीट बीजेपी और एनडीए को 336 सीटें मिली थी। अब 2024 चुनाव में कोई बड़ा मुद्दा भी विपक्ष के पास फिलहाल नहीं है, ऐसे में नरेंद्र मोदी को सत्ता से बेदखल करना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। देखिए, बीजेपी से अलग होने के बाद ही नीतीश कुमार क्या कहते हैं कि 8 साल के नरेंद्र मोदी के शासन काल में कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ प्रचार करने का काम किया गया, सिर्फ प्रचार प्रसार हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार को ये बयान दिए हुए 2 ही दिन हुए थे कि खबर आई कि भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है।
यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मोदी सरकार के पहले तक भारत का 11वां स्थान था। अब ये तो नीतीश कुमार ही समझें कि वो किस आधार पर कह रहे हैं कि मोदी की सरकार ने विकास का कोई काम नहीं किया। हालांकि ये बात जरूर है कि जनता अब नेताओं की बातों का आकलन कर रही है। वो दौर अलग था जब नेताओं की बातों पर जनता आसानी से भरोसा कर लेती थी, आसानी से विश्वास कर लेती थी, क्योंकि तब उनके पास सच्चाई जानने का कोई खास तरीका उपलब्ध नहीं था, कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं था। वो 80-90 के दशक की बात है जब नेता जनता को झूठ बोलकर बरगला देते थे और उनका वोट हासिल कर लेते थे। आज की जनता 21वीं सदी की जनता है जो इंटरनेट के माध्यम से दुनिया को अपनी मुट्ठी में रखती है। वो नेताओं की कही गई हर बात को न सिर्फ परखती है बल्कि उसकी सच्चाई की तह तक जाकर सब कुछ जान लेती है। खैर, इस वक्त ये कहना मुश्किल है कि विपक्ष को एकजुट करने में लगे नीतीश कितने सफल होंगे और होंगे भी या नहीं, क्योंकि जो सामने दिख रहा है उसमें ये कहना भी गलत नहीं होगा कि इस वक्त विपक्षी दलों में एक अनार 100 बीमार वाली बात बनी हुई है, क्योंकि विपक्षी दल की ओर से पीएम पद की रेस में कई नाम है। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही, और भी खबरों के लिए इनसाइट लाइव को सब्सक्राइब कर लें।